ये कितनी बार अंग्रेजी हुकूमत में जेल भी गए हैं और भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। और कब्र की जियारत आप कर सकते हैं, मैं आपको एक बार उनके पास भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ से। तो गाइस यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों जबान में लिखा है, तीनों लैंग्वेज में लिखा है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज हम यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, और गाइस हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिनका जन्म 1888 में हुआ और जिनका देहांत 1958 में हुआ। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1940 से 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और जिनका जन्म मक्का में हुआ और इनका जो देहांत हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ। और गाइस ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। और गाइस आज हम यहाँ पर जमा मस्जिद के बाहर जो मीना बाजार है उसके ऊपर यहाँ पर खड़े हैं और आपको दिखाने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी और उनकी कब्र की ज़ियारत कराता हूँ और उनके बारे में आपको बताता हूँ। वे उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से एक बार वहाँ से सांसद चुने गए और उसके बाद सबसे कम उम्र के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद वे शिक्षा मंत्री भी रहे। और गाइज मैं आपको उनकी कब्र की ज़ियारत कराने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको एक बार वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत सारे जो आंदोलन हुए उनमें इनका अहम किरदार है और बहुत सारी लड़ाइयों में भी इनका अहम किरदार रहा। ये कितनी बार अंग्रेजी हुकूमत में जेल भी गए हैं और भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। और गाइज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारत के चिन्ह से भी नवाजा गया, जो कि इनको भारत के प्रधानमंत्री ने उस वक्त दिया था। वे एक भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारी फेमस किताबें भी लिखी और वे एक कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। तो गाइज वे महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे उसको समर्थन करते थे, और उन्होंने जब विभाजन का समय आया गाइज खिलाफत आंदोलन में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। तो चलिए एक बार मैं आपको उनकी कब्र की ज़ियारत कराता हूँ और लेकर चलता हूँ आपको जिन, और दिखाता हूँ कि गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ पर कब्र की ज़ियारत आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार उनके पास भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ से कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो गाइज ये आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है, अभी इसमें पानी नहीं है और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से बनाया गया है। तो चलिए एक बार आगे चलते हैं। अदब बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से मैं शूज उतार देता हूँ सबसे पहले और फिर उसके बाद मैं आपको चारों तरफ से। तो गाइस यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों जबान में लिखा है, तीनों लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इधर भी यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं मोहिनीद्दीन अहमद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो यहाँ पर आप कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं इस साइड में भी एक यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है, और जो ये पार्क है ये बहुत ही बड़ा है और ये बिल्कुल जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के सामने है, और यहाँ पर इसकी आसपास मीना बाजार है। मीना बाजार में आप किसी से छुपा नहीं है, मीना बाजार यहाँ पर कितना ज़्यादा फेमस है। और ये जो मीना बाजार के आसपास ये जगह है ये सब यहाँ पर जामा मस्जिद के एरिए में ही आती है। गाइस मैं आपको इस पार्क को एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ। बाजार है और ये चारों तरफ मीना बाजार यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि जमा मस्जिद गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने है।
भाई मैंने आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताया और यहाँ पर इनकी कब्र की ज़ियारत कराई। गाइज आज का था ये ब्लॉग और आज की थी ये वीडियो। अगर ये ब्लॉग आपको जरा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ फिर कभी।